नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द ऑल न्यू यमहा की तरफ से आने वाली एन मैक्स 155। जी हाँ, ये एक 155 सीसी की व्हीकल होने वाली है, जो कि स्कूटर में अभी तक हमें इंडिया में बर्गमैन, सुजुकी, ग्रेजिया, एक्टिवा 125, ये सब कुछ हमें 125 सीसी इंजन के साथ मिलती है। लेकिन हालांकि लोगों की डिमांड को देखते हुए अब कंपनियां स्कूटर सेगमेंट में भी 155-160 सीसी में भी जा रही है, जिसमें हमें होंडा की PCX पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, होंडा PCX 160 आ रही है, ऑलरेडी XXR 160 हमें देखने के लिए मिलती है। इसलिए यमहा की तरफ से भी अब 155 सीसी में एन मैक्स को लाया जा रहा है। बात करें अगर इसकी कंप्लीट डिटेल्स की, लॉन्चिंग की, तो सब कुछ हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमें 155 सीसी का देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC 4 वॉल्व के साथ हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके मैक्सिमम पावर की, तो इसका जो मैक्सिमम पावर है वो हमें 15 PS 8000 RPM, मैक्सिमम टॉर्क 14.4 Nm 6000 RPM पर देखने के लिए मिल जाएगा। इस गाड़ी में हमें दोनों ही ब्रेक्स में डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं, ना कि ड्रम ब्रेक मिलेंगे। जी हाँ, इसका फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक 230 mm और रियर में जो डिस्क ब्रेक होगा वो 220 mm देखने के लिए हमें मिलने वाला है। अब बात करें अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी वो 6.7 लीटर बताई जा रही है, और इसका जो एवरेज बताया जा रहा है वो इसका एवरेज 40-45 किलोमीटर पर लीटर के बीच में हमें देखने के लिए मिलने वाला है। इस व्हीकल में हमें ABS नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसके जो दोनों ही टायर होंगे, दोनों ही टायर सेम 12 इंच के साइज़ के मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर के साथ हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात करें अगर इसके लाइटिंग फीचर्स की, तो इसकी जो फ्रंट और बैक रियर दोनों में ही हमें LED लाइट मिलने वाली है। जी हाँ, इसमें हमें हैलोजन लाइट नहीं देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं इसके डिजिटल कंसोल्स की, तो इसका जो कंसोल होगा, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, एवरी छोटी छोटी डिटेल्स हमें डिजिटल फॉर्म में देखने के लिए मिलने वाली है। बात करें अगर इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की, तो जी हाँ, इसमें 100% श्योर है कि इस गाड़ी में हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें हम मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, GPS नेविगेशन, लास्ट पार्किंग लोकेशन, कॉलर ID, ये सब कुछ हम ब्लूटूथ फॉर्म में देख सकते हैं। और इसे एक LCD पैनल में नहीं, जो कि काफ़ी चेंज करके LED पैनल में लाया जाएगा। अब बात करें अगर इसके कुछ और सेफ्टी फीचर्स की, तो इसके जो सेफ्टी फीचर्स में हमें जो सस्पेंशन है वो हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा, और रियर में हमें यूनिट स्विंग सस्पेंशन देखने के लिए मिलने वाला है। अब अगर इसके डायमेंशन एंड कैपेसिटी की बात करें, तो इसकी लेंथ 1955 विड्थ 740 mm, हाइट 1115 mm, यानी 1115 mm मिलने वाली है। अब बात करें अगर इसके ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो उसका ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन काफ़ी अच्छा ही है, 142 mm उसका ग्राउंड क्लीयरेंस हमें देखने के लिए मिलने वाला है। इस गाड़ी की जो ओवरऑल वेट होने वाली है दोस्तों, वो होगी 127 kg की। अब बात करें इसके अंदर लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, सर्विस इंडिकेटर, ये सब कुछ हमें डिजिटल फॉर्म में ही देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, इस गाड़ी की लॉन्चिंग और इस गाड़ी की प्राइस। तो जी हाँ, इसकी जो लॉन्चिंग है वो आज से ठीक एक महीने बाद 20 जून को लॉन्च कर दी जाएगी। ये न्यूज़ 99.99% कन्फर्म हो चुकी है। हालांकि इसकी लॉन्चिंग इसी मंथ में थी, बट कोविड के चलते इसे पोस्टपोन करके 20 जून कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस निकल कर आ रही है वो आ रही है 1.23 lakhs। जी हाँ, इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 99% श्योर है कि वो 1.23 lakh एक्स शोरूम हमें देखने के लिए मिलने वाली है। अब बात करें अगर यमहा NMAX 155 को कंपनी आखिर क्यों ला रही है, तो पहली बात तो यमहा हमेशा ही अपने डिज़ाइन, अपनी इंजन क्वालिटी, अपनी बिल्ड क्वालिटी की वजह से जाना जाता है, जो कि सेम उसने NMAX 155 में भी दिया है। और यही स्कूटर अब हमें 155 सीसी में भी देखने के लिए मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब तक हमें इस डिज़ाइन का, इस तरह की जो रेट्रो लुकिंग एक डिज़ाइन का जो स्कूटर है, वो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। होंडा PCX सेम ऐसे ही स्कूटर लेकर आ रहे हैं, इसलिए उनसे पहले यमहा NMAX 155 को लेकर आ रही है। बात करें अगर इसकी राइडिंग क्वालिटी की, इसकी सीटिंग पोजीशन की, इसकी फुटरेस्ट की, तो इसे काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी ने डिज़ाइन किया है, जो कि हमें NMAX 155 में देखने के लिए मिलने वाला है। ये गाड़ी जैसे ही लॉन्च होगी, सबसे पहले हम इसका वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप होंडा की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आप साई पॉइंट होंडा मुमरा में जा सकते हैं, जहां गियर मास्टर के थ्रू आपको 2000 rupees एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा हमारे चैनल के थ्रू। सो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारा साथ देते रहिए। धन्यवाद।